ग्राम प्रधान व एवं पंचायत मित्र के खिलाफ जांच की मांग को लेकर मेहनगर तहसील के धोखा ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपते हुए इन लोगों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई। जिलाधिकारी कार्यालय पर आए यह सभी लोग मेहनगर तहसील के हैं। दरअसल इनका कहना है कि ग्राम प्रधान सितारा चौहान एवं पंचायत मित्र कुसुम चौहान के विरुद्ध जांच होनी चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायत सदस्यों के मौजूद रहने के बाद भी इन लोगों द्वारा कभी भी बैठक नहीं ली गई। इसके अलावा जो निर्णय लिए गए और जो कार्य कराए गए उनकी भी जांच जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से कराई जानी चाहिए। आरोप लगाते हुए इनका कहना था कि ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा अपने वार्ड के लिए पात्र व्यक्तियों हेतु शौचालय एवं आवास मांगने पर किसी को भी शौचालय एवं आवास नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 8 के सदस्य उदयराज 4 महीने की मृत्यु के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए सभी लोग ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, जिससे गांव में रुका हुआ विकास कार्य दोबारा से चालू हो सके। ये हमारे सभी जो वार्ड सदस्य हैं, कभी ग्राम पंचायत की खुली बैठक में उन लोगों को बुलावा नहीं हुआ है। ग्राम प्रधान कैसे काम कर रहे हैं, पंचायत मित्र हमारा फर्जी दस्तक कर रहे हैं, कैसे प्रस्ताव लगा सब काम कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं मालूम है। दूसरी बात, हम लोगों के वार्ड की सबसे बड़ी समस्या शौचालय आवास है, लेकिन जो पात्र है उसको दिया नहीं है। देख लीजिए, हमारे पास विकास खंड अधिकारी से मांगे हैं, लेकिन यहाँ बोल के भी नहीं दे रहे हैं जी, जबकि हमारे परिवार ही है, इसलिए परिवार को नहीं दिया जा रहा है और खुले में जा रहे हैं। डीएम साहब से मिले, क्या डीएम साहब बोल रहे हैं जाँच कराएंगे, बस और क्या कहेंगे। क्या लगता है कि घोटाला भी हुआ है इसमें? अब जी अधिकार यही साहब जाँच करें तभी मालूम होगा, हम कैसे कहेंगे क्या हुआ है, लेकिन हम लोग नहीं मिला ना, हम लोग कभी बुलावा हुआ तो घोटाला नहीं कर रहे हैं। कैसे ग्राम पंचायत चली इतने दिन तक, 3 साल तक? सर जब से प्रधानी हुई है ये 2015 की, तब से जो है कि ना हमारी मीटिंग हुई है ना कोई साइन हुई है, और जिसमें लोहिया आवास चाहे प्रधानमंत्री आवास चाहे ये क्या बोलते हैं शौचालय का जो भी बजट उतरा, किसको मिला किसको नहीं मिला, ये हमको नहीं आज तक मालूम है जी। बहुत घोटाला, जो टेंट डाला करके 12,000 रुपया वो उतार दिया जाए अगर अपने से अपने खाते से, और प्रधान ले रहे हैं, और एक कॉलोनी पे जो प्रधानमंत्री आवास पे 30-35 हजार रुपया वो व्यक्ति से प्रति व्यक्ति से वो ले रहे हैं, और जो लोहिया आवास था उसमें 1,35,000 एक एक आदमी से लिए हैं प्रधान सितारा देवी। सर अब शिकायतें तो बहुत हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ। फिर दोबारा हम लोग आए हैं डीएम साहब के पास,